केतु की बाला पहुंची जंगल बीच शिवाला, अहेर करता पहुंचा मंदिर गंधर्व कुमार। तो चांद चिलमन में लेकर चली चंचला, चकमक चाहा चखू की चखू चांदनी, छो करी छर हर छम छम की आवाज दी, छदन छाई छताई छता भामिनी। जिम बाहन जवानी के उन्माद में जोगिनी जब जौहर बनाया मिनी, झनक झंकार बीड़ा झनक दिल गया, झांक झक झोर डाली कुंवर कामिनी। राजा सत्य केतु की बिटिया, नित्य कर्म का काम था जंगल में एक खूबसूरत मंदिर, उसी मंदिर में आकर के पूजा करके पुनः लौट करके अपने घर चली जाती थी। एक रोज जिमवाहन नाम का लड़का घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलता हुआ उस मंदिर के नजदीक चला आया। जब मोहिनी का नजर जिमवाहन पर पड़ल, अब जिमवाहन के नजर मोहिनी पर पड़ल, नयन चार हुई तो मोहब्बत का शुरुआत हुआ। तो जिमवाहन लाख रुपए का बात कहा, आया एक लाइन तर्ज बा मास्टर तनी चबड़ के दा, आई एक लाइन तर्ज का नमूना बा कि अरे ये माना मेरी जान, ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है मजा इसमें इतना, मगर किस लिए से कहता है क्या? कि अरे लगा तीर उर में, तब लगा तीर उर में, हुआ दिल उजागरी, करना न मेरी इच्छा या ना करी है, ये मिट्टी है मिट्टी, ये मिट्टी है मिट्टी, मैं मिलना है इसको एक दिन, यहाँ से जाना है इसको। विशेषता दिए क्या? क्या कि नजर बकुला की भांति दीवाना गड़ाई, नजर 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 से मिली बालिका उठाई नजर, हया को चीर गई तीर है चलाई नजर, अदा के वोट में शर्मा के मुस्काई नजर, मिला जब सत्य के तू कर्म का निर्वाह किया, बात समझ लें। जब राजा सत्य केतु को पता चला कि मेरी बिटिया जो है जिमवाहन नाम की लड़की से शादी कर रही है, प्रेम कर रही है, शादी करना चाहती है, तो वो उस लड़की को बुला करके कहने लगा, क्या अरे बिटिया, तूने प्रेम किया कोई गुनाह नहीं किया,
अरे ये कहा गया है, ये कहा गया है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, भगवान ही प्रेम है, ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। बिटिया तूने प्रेम किया, कोई गुनाह नहीं किया, उसी मंदिर में ले जाकर के शादी करा दिया। लेकिन जब राजा सत्य के तू शादी करा दिए, उस समय की बात है। यहाँ एक लाइन भोजपुरी गीत दिखल गई मास्टर, थोड़ा तैयारी से। कि अरे का कही पिया कहलो न जाला, दिलावा की बतिया छुपवलो न जाला, कहत डरिया लागे लाए मोरे राजा, भावरवा रसा, अरे भावरवा रसा लूटे ला रे दिलारा, क्या निकला। दुल्हन बन करके वही मोहिनी अपनी बाबुल के दरबार में फिर गई। मगर एक रोज की बात, जिम्मूवाहन अपने ससुर को बुला करके कहने लगा कि पिताजी इस तरह आपके घर में हम लोग कितने दिन तक रहेंगे, हमारी विदाई कर दीजिए, हम अपनी दुल्हन को लेकर के घर जाएंगे। हुआ क्या, क्या? कि कुछ दिन बाद जब भाईली विदाई, चला ले लिया आई भाई तू नहीं लिया के, चला ले लिया आई भाई तू नहीं लिया के, चला ले लिया आई। अरे ममता तब ममता के यशुवन से अब भी जली चुनरिया, नैहर से नाता नैहर से नाता टूटे लारे करके अपनी दुल्हन को चल दिया। मगर बाबूजी रास्ते में एक सुंदर जंगल मिला। जिस समय जंगल में गया तो हुआ क्या, या? कि रहिया चलता जावा, अरे गईले थोड़ी दूरिया हो, हड्डियों का मिला भरमा, गया तो देख रहा है कि एक बूढ़ी औरत हड्डियों की ढेर में बैठ करके रो रही है। जिम्मूवाहन से बर्दाश्त नहीं हो पाया, उस बुढ़िया के नजदीक चला गया और जा करके कहना शुरू किया। क्या? तो यहाँ एक लाइन गीत दिखल गई, आप लोगन देखत होबा, हर देहात के बात बैठे गोण बिरादरी हो खेले, गोण बिरादरी लोग के भैया लोग के दुआरी पर जब बारात लग जाये तो उस समय झूम झूम के लौंडा गयी है लोगन। मास्टर आइए गीतिया का लाइन बा, कि अरे मैया मैया हो मैया, मैया मैया हो
गई, कही का कि मैया मैया हो मैया के पास गया और बुढ़िया के पास जाकर के उसे औरत से कहने लगा। क्या कहना शुरू किया कि मैया मैया हो मैया वाहन कहा मगर बुढ़िया एक शब्द भी नहीं बोली और जिस समय एक शब्द नहीं बोली उस समय फिर कहना शुरू किया। जिम वाहन कहता है क्या यहाँ एक लाइन तर्ज बदल गई। आई हो गितिया हुए बात बा गुणौ लौंडा झूमते गए हैं लोगन कि गावा ना परा वाला ये पियावा घरे बैठा वाला ये पियावा अपनी मरद से कहला से कि सैया तू चल जी बता हम रहब कैसे कि के करा से हंसा बो ये पियावा के बोला बो ये पियावा के पिया हो दिलवा की बतिया मगर जिम वाहन उस बुढ़िया से कहना शुरू किया गाने के अंदर गौर करेंगे कि कवन करा नवा ये माई बारी नया नवा ये माई तो मैं कभी घर नहीं जाऊंगा एक काम करूंगा क्या जाऊं कि घर आवा ना जाई वो ये माई दुखा वाने जाई वो ये माई दुखा वाने जाई वो ये माई दुखा वाने जाई वो अरे हमसे बताई तू माई हो दिलवा की बतिया। इतनी बात कहता है जिम वाहन की बूढ़ी माँ बताओ आखिर बात क्या है तुम इस सुनसान जंगल में हड्डियों की ढेर में बैठकर रो रही हो क्या बात है। बुढ़िया कहने लगी कि अरे बेटा तुझे देखने से यह आभास हो रहा है कि कुछ ही दिन पहले तेरी शादी हुई हो। तुम अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा है चले जाओ चले जाओ ये मत पूछो कि मैं क्यों इस सुनसान जंगल में रो रही हूँ। जब इतनी बतिया बुढ़िया कहला से लड़का से बर्दाश्त नहीं हो पावल तब फिर बुढ़िया बतलाना शुरू करती है कहती है कि सुन जब तुम सुनना चाहते हो कि सुनसान जंगल में मैं क्यों रो रही हूँ तो मेरी वाणी को सुन कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या कहती है बुढ़िया यहाँ एक लाइन तर्क हल गई मास्टर कि तुम अगर साथ देने
का वादा करो तो मैं यूं मस्त नाग में लुटाता रहूं। सुनसान जंगल में मैं क्यों रो रही हूँ तो सुन ले मेरी बात को कि दर्द की आग में मैं दर्द की आग में मैं खुद जल रही तब तेरा दिल जलाने से क्या फायदा। दर्द की आग में मैं खुद जल रही तब तेरा दिल जलाने से क्या फायदा। दर्द की मैं पी जाऊंगी। अरे लड़का मैं जानती हूँ कि ये बात बताने से कोई फायदा नहीं है। उस समय लड़का क्रोध में आकर कहता है कि अरे बुढ़िया वक्त से पहले बुढ़िया वक्त से पहले बुढ़िया तू मर जाएगी वक्त से पहले बुढ़िया तू मर जाएगी बात दिल में छुपाने से बात कहता है जिमुबाहन अरे बुढ़िया तुम कुछ ही दिनों के लिए इस धरती का मेहमान हो तुम तो इस दुनिया से चली जाओगी मगर आखिर इस बात को छुपा क्यों रही हो। उस समय बुढ़िया कहती है कि सुन जब तुम यही पूछना चाहता है कि मैं क्यों रो रही हूँ तो बेटा अब मैं बतला रही हूँ। क्या कहती है बुढ़िया कि कल सुबह होते सुन ले गरुड़ आएगा शंख चूर्ण मेरे बेटे को खा जाएगा। नाग माता हूँ मैं। अरे लड़का जिस बुढ़िया को तुम बुढ़िया कह रहे हो मैं बुढ़िया नहीं हूँ नाग माता हूँ मैं डर के भग जाओगे। नाग माता हूँ मैं डर के भग जाओगे प्रेम झूठा दिखाने से क्या फायदा। नाग माता नागिन हूँ सर्पों में नागिन हूँ लोग मुझे नाग माता कहते हैं। अरे बेटा जितनी तुम हड्डियाँ देख रहे हो ये गैरों की हड्डियाँ नहीं है जितनी हड्डियाँ देख रहे हो जंगल में सभी मेरे बेटों की हड्डियाँ हैं। और रोज गरुड़ आता है मेरे एक बेटे को खा करके चला जाता है। सबसे मेरा छोटा सा बेटा जिसका नाम शंखचूर्ण है सबसे प्यारा बेटा वही तो बच गया है बेटा। कल सुबह में उसी की बारी है कल गरुड़ आएगा और उसे भी खा करके चला जाएगा इसीलिए मैं रो रही हूँ बेटा। बताओ इसके आगे अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। जब इतनी बात बुढ़िया कहला से लड़कवा का रोंगटा खड़ा हो गया। जिमुबाहन कहने लगा अरे बुढ़िया तुम कह रही हो कि मैं डर करके भग जाऊंगा तो मैं वैसा नौजवान नहीं हूँ। कोमल स्वर देके तेरी का भाव मास्टर लड़का बुढ़िया से बताते हुए कह रहा है कि अरे जवानी कवनो तब जवानी कवनो काले चढ़ी न पीतर पानी। अरे बुढ़िया वीरों का ऐसा धर्म नहीं वीरों का ऐसा धर्म नहीं जो
कोई आगे कदम बढ़ाता है, कुर्बानी दे सरकत वाले पग पीछे नहीं हटाता है। जाऊंगा गरुण सामने मैं, जाऊंगा गरुण सामने मैं, बेटे को तेरे बचाऊंगा। आ जाएगा जमराज अगर उस काल से भी लड़ जाऊंगा। अरे बुढ़िया, तुम ये कह रही हो कि मैं डरने वाला नौजवान हूँ। मैं पहले ही तुझे माँ शब्द का करके पुकारा, तुम मेरी धर्म की माँ हो और वो मेरा धर्म का भाई हुआ। मैं अपने भाई को जरूर बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। अपनी दुल्हन से कहता है कि दुल्हन तुम चली जाओ अपने बाबुल के घर, जब तक मैं इस वादा को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक वहाँ मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, लौट कर घर नहीं जाऊंगा। बाबूजी दुल्हन चली गई, लेकिन हुआ क्या? दूसरे रोज की बात जरा सुने, जब गरुण आया तो करता है क्या, और शंख चूर्ण के बदले यही जाता है जिमू वाहन। हाँ। तो गरुण कहना शुरू किया क्या? कि अरे काहे मन बढ़ावला बबुआ, काहे मन बढ़ावला बबुआ, काहे मन बढ़ावला बबुआ। धिक्कार करके कहता है कि अरे काहे मन बढ़ावला बबुआ, काहे मन बढ़ावला बबुआ, तब राह के बेसहला बबुआ, राह के बेसहला बबुआ, राह के बेसहला बबुआ। अब बुझला न बात कई के, अरे घात लड़े जाइला बबुआ, काहे मन बढ़ावला बबुआ, गरुण कहता है धिक्कार करके, अरे लड़का सर्प मेरा दुश्मन है, मैं सर्प को खाने के लिए आया हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मगर कहता है कैसे, कि दिया ना जला के दिन में सूरज के चिढ़ाई गईला, दिया ना के चिढ़ाई गईला, दिया ना के चिढ़ाई। अरे बनी के सियार से रो, अब बनी के सियार सेरा आके तारा नहाई गईला, बनी के सियार सेरा आके तारा नहाई गईला, वाहन से गरुण कहता है धिक्कार करके कि तुम चले जाओ, चले जाओ, तुम मुझसे लड़ाई करने योग्य नहीं हो। मगर बाबूजी गरुण तो तैश में आकर के जिम वाहन कहना शुरू किया, नतीजा निकला, दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गई, एक तरफ गरुण एक तरफ जिम वाहन। हुआ क्या, आहार फालावा के नदिया बुझावे नहीं दिला के पिया, ज्ञानी के ज्ञान भंडार दुनिया में, बिरवन के तेज जैसे सूर्या के प्रकाश। नतीजा निकला, हुआ क्या, वही चिमू वाहन जा करके उस गरुण से मरा जाता है, जिस समय बेहोश हो गया
मरा गया, युद्ध समरभूमि में मारा गया। उस समय हुआ क्या, वही जिमूबाहन के नाम पर जम्मू कश्मीर बना। जिमूबाहन के नाम पर जम्मू कश्मीर बना और अपने पति के लाश पर वो लड़की दुल्हन जो मोहिनी थी सती हो गई, तो वही मोहिनी झील के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो कि आज भी मशहूर है। कोई बाबू जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं तो मोहिनी झील का दर्शन जरूर करते हैं। तो गाने का अंतिम प्रमाण हुआ क्या, अरे अपने आंगन के लजोरिया, अपने आंगन के लजोरिया, तब डूबा वाला पीरावा कई के वादा के जिकरिया निभा। अलादी कहे करुण बर मांगो राजकुमार, बंधो सर्पो का लहार हो, मरते दम माता के बंधन से छुड़वला पीरावा। जिमूबाहन जिस समय बेहोश हो गया और होश में आया, तो उस समय की बात है, जरा पहले की बात थोड़ा सा सुन ले आप लोग। वही कहा गरुण कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो जो वादा किया था बुढ़िया से, कहा कि ठीक है, जब आप मुझे वचन देना चाहते हैं, आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो यही दीजिए वर कि आज से सर्पों का आहार नहीं करेंगे। तब से बाबू यही प्रमाण मिला कि गरुण लोग सर्पों का आहार नहीं करते हैं। दूसरी बात, जब जिमूबाहन मर गया तो जिमूबाहन के नाम पर जम्मू कश्मीर बना। मोहिनी जो थी जब पति के लाश पर सती हो गई, तो हुई क्या, कि जिम्मू नगर बसाए राजा सती हो गई रानी, गली के मोहिनी झील बन गई आज भी है निशानी हो। तयाद में जम्मू सहरिया, बसा वाला पीरावा, कई के माता के जिकरिया निभाला पीरावा। जय जखाल स्वामी गुरु जद्दू हबीबुल्ला की फुलवारी, कथन करे कभी गंगा सागर सुबह की तैयारी हो।